हेलो, हाय एवरीवन। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कोरमा रेसिपी। चलिए बनाते हैं चिकन कोरमा रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं हूँ अमरीन खान और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कोरमा रेसिपी। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन कोरमा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले गैस ऑन करना है। फिर हमने इसमें ऑयल डालना है। चलिए पहले हम इसमें ऑयल डालते हैं। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हमने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेना है, ये बहुत मसालेदार नहीं बना रही हूँ मैं। ये मैंने दो अनियन लिए थे, इसे चॉप कर लिया है। और ये मैंने बादाम का पेस्ट लिया है, बादाम को भिगो दिया था फिर पीस लिया है। और ये कर्ड लिया है 3 टेबल स्पून। और ये मैंने सॉल्ट लिया है। और ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और ये रेड चिली ली है। और ये हमारा चिकन है। चलिए अब हम इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। देख सकते हैं मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब हमने इसमें अनियन डालना है। और इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। अब देख सकते हैं आप, मैंने प्याज डाल लिया है। अब इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है, चलाते रहना है ताकि प्याज जले नहीं। ये मेरा प्याज हो रहा है, देख सकते हैं आप, मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। और अब मुझे इसमें से थोड़ा सा निकालना है और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज को, थोड़ा सा मसल के ग्रेवी जब दूंगी, जब मुझे शोरबा करना होगा तब थोड़ा सा प्याज को निकालूंगी। अभी मैं थोड़ा सा प्याज इसमें से निकाल के रख लेती हूँ साइड में। या आपने लास्ट में इसमें ऐड करना है। देख सकते हैं आप ये। और ये मेरा ये थोड़ा सा प्याज हो गया था, छोड़ दिया है मैंने। अब मैं इसमें चिकन लूँगी। ये मैंने 250 ग्राम्स होगा ये मैं ले रही हूँ चिकन। ये मैंने डाल दिया इसमें चिकन। मुझे थोड़ी देर इसे फ्राई करना है। देख सकते हैं आप, फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। अब ये मेरा जब तक इसको भूनेंगे, और इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको भूनना है कुछ देर तक, 6 से 7 मिनट। ये मैं भून रहा है। अब मैं इस प्याज को थोड़ा ठंडा होने तक रखूंगी। अभी ये बहुत गर्म है। और फिर लास्ट में ऐड करेंगे हम इसमें, ये देख सकते हैं आप, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है ताकि ये जले नहीं। और
और अब मैं इसमें ये धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। धनिया ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है ज़्यादा धनिए से। तो अब मैं ये इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अदरक लहसुन को काफ़ी अच्छे से भूनना है। ये मैंने इसमें डाल दिया है, ये भुनने के लिए छोड़ देते हैं इसको 5 से 7 मिनट तक, ये अच्छे से भुन जाए। उसके बाद सारी चीज़ें और ऐड करेंगे। ये मेरा भुन रहा है, काफ़ी भुन चुका है। अब इसमें मैं रेड चिली 1.5 लिया था मैंने, ये ऐड करूँगी। और सॉल्ट है, ये आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमको इसको भूनना है। देखिए आप, ये इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है इसे, लेकिन हमें कुछ देर तक भूनना है। ये मैंने छुपा दिया है, अब इसको 5 से 7 मिनट ही पकाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा जो हमारा चिकन है वो भी गल जाए और ये भुन भी जाए। ये अच्छे से भुन रहा है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमको और सारी चीज़ें जो भी है वो ऐड करना है। दही लास्ट में डालेंगे। चलिए अब हम इस प्याज को थोड़ा सा हाथ से मसल देंगे अच्छे से, देख सकते हैं आप। ये अच्छे से मसलना है, अगर आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं। हम चलिए देखते हैं हमारा चिकन। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा भुन गया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और अब मैं इसमें ये प्याज जो मैंने हाथ से वो की थी, अब ये डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चला देना है ताकि मिक्स हो जाए। बहुत टेस्टी बनता है, आप घर में ट्राई करके देखें। ये नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में बनने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें घी भी देसी ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं मेरा चिकन क्या हाल है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, ये भुन रहा है। अब इसमें मुझे ये ऐड करना है, ये बादाम का जो मैंने पेस्ट बनाया था, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये भुनता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा चिकन रेडी होने जा रहा है। ये गल चुका है ऑलमोस्ट, और अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। अब हमने इसको भूनना है अच्छे से, 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा चिकन कैसा है। ये पक चुका है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, देख सकते हैं आप। और ये सर्व करने के लिए रेडी है। चलिए अब हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं और इसको बोल में निकाल देते हैं। अब हमने इसमें गरम मसाला लिया है, ये पिसा हुआ है, घर का पिसा हुआ भी ले सकते हैं, मार्केट का भी ले सकते हैं आप। और ये मैंने थोड़ा केवड़ा लिया है, बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। ये मैंने बहुत थोड़ा सा लिया एकदम, क्योंकि इसका फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर आप ज़्यादा डालेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है बस, और ये मुझे लास्ट में डालना है जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म है अभी हम नहीं डाल सकते, इसका टेस्ट ख़राब होगा। ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तब हम डालेंगे सर्व करने से पहले। आप देख सकते हैं ये मेरा चिकन कोरमा रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और ये मैंने नान बनाई है घर में ही, ये मैंने आप वीडियो मैंने इसका बनाया, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी रेसिपी है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, घर में बनाइए, देखिए इसका टेस्ट क्या रहता है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।